और हमें जाना है वहाँ, देख सकते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। लेकिन सो अभी अपना काम शुरू होगा, देख सकते हैं यहाँ पे रेडी कर। गुड आफ्टरनून गाइस, तो दिन का बज रहा है 12:30। तो आज का वैसे बहुत काम है, आज हमको जाना अपना पोल्यूशन का, ये जो पोल्यूशन बनाया था हम अपना बाइक का, तो वो रिव्यू इसका डेट आ गया। तो वैसे 2 तारीख में, वैसे आपका भाई हर काम थोड़ा जल्दी कर लेता है, इसलिए एडवांस कर लेगा ताकि कल परसों क्या बड़ा सा काम भी हो जाए इसलिए। तो चलो आज दिन का शुरुआत अपना ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सो फिलहाल घर पे है, तो फटाफट रेडी करेगा उसका निकलेगा गाइस, तो आपको मिलता है थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली रेडी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है मार्केट, क्योंकि हमको बहुत इमरजेंसी से काम आ गया मार्केट में, तो सीधा आप लोग को मिलता है मार्केट में गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस फिलहाल मार्केट का काम हो गया, तो अभी सीधा चलते हैं। सो गाइस फाइनली मार्केट से तो निकल गया, तो जस्ट रिवर व्यू होटल का जस्ट सामने में यहाँ पे अपना हेलमेट का माउंट को लगा रहा था, तो सीधा अब चलते हैं यहाँ से। मेरा पोल्यूशन पेपर को आज रेन्यू करना है, ले चलो निकला जाए। वैसे मार्केट क्या काम से गया था वो आप लोग का 1-2 दिन में पता चल जाएगा गाइस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरा लाइफ का गाइस, तो वो 1-2 दिन में आप लोग को पता चल जाएगा, सस्पेंस है गाइस। तो फिलहाल चलते हैं मेन रोड पे, वैसे काफ़ी गर्म लग रहा है, लगता है गर्म दिन आ गया गाइस, गर्म दिन में तो हालत खराब होगा इस हम लोग का। ये रहा पेट्रोल पंप, पेट्रोल डालने में पैसा नहीं गाइस, अपना 3 घाट का 3 घाट ही है, ऐसा जिंदगी चल रहा है गाइस। फिर भी आपका भाई व्लॉग बनाना नहीं छोड़ता है। देखो गाइस यहाँ पे मिट्टी कटिंग, रोड कटिंग के लिए थोड़ा सा कटिंग कर रहा है मिट्टी को रोड, क्योंकि बड़ा कर रहा है, तो इसलिए सभी जगह में अभी ये हो रहा है कैपिटल अंदर में। और गाइस जो ये देख रहे हैं आप लोग नर्सरी, यहाँ पे एक ज़माना में, देखो अभी थोड़ा सा जरा नहीं फूल थोड़ा बहुत है ये जगह में, एक ज़माना में यहाँ पे छोटा में बड़ा भाई हमको यहाँ पे लेके आके फोटो वोटो खिंचवाता था, क्योंकि काफ़ी उसमें नर्सरी काफ़ी सुंदर था, काफ़ी सारा फूल हुआ करता था, अभी तो पूरा जंगल जंगल जैसा लग रहा है। और ये पेट्रोल पम्प भी रिसेंटली बनाया गया है नाहरलगुन में। ये ब्रिज का सामने में आई थिंक एक ब्रिज, नया ब्रिज बनाने जा रहा है जैसा लग रहा है, हाँ नया ब्रिज ही होगा गाइस। सो गाइस ये रहा अपना यामाहा शोरूम, देख सकते हैं आगे, हम लोग आगे जाना है यहाँ से गाइस। इटानगर तक रास्ता काफ़ी बढ़िया A1 है गाइस, यहाँ से जब भी यहाँ पहुँच जाता है तो ऐसा लगता है कहीं सिटी में राइड कर रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ का रोड एकदम A1 है गाइस, यहाँ से आपको इटानगर तक रास्ता काफ़ी एकदम बढ़िया A1 मिलेगा गाइस। ये रहा बुलेट शोरूम, देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड लिखा है, और हमें जाना है वहाँ, देख सकते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, लेकिन हम लोग को लेना पड़ेगा आगे से टर्न, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है वाल लगा हुआ, इसलिए वहाँ से टर्निंग होके वापस वहाँ आना पड़ेगा। चलो यहाँ से टर्न लिया जाए। तो जस्ट सामने में है हम लोग का ऑफिस, वहाँ पहुँच के मिलता है आप लोग को, ये जस्ट ये देख सकते हैं। सो गाइस हम पहुँच गया फाइनली ये ऑफिस, जहाँ पोल्यूशन रिन्यू करता है और यहाँ से बनाता लिए, तो अंदर दिखाते हैं आप लोग को, ये देख सकते हैं बोर्ड, प्राइवेट एजेंसी व्हीकल पोल्यूशन सेंटर। तो अंदर
पूछते हैं आपको, छोटा सा ऑफिस है आपका। सो अभी अपना काम शुरू होगा, देखते हैं यहाँ पे रेडी कर देते हैं। सो गाइस ये रहा अपना बन गया, अभी हमको 6 महीने के बाद करना है। यहाँ पे करते हैं, देख सकते हैं। तो अपना काम तो हो गया, तो इसको एक बार करने के बाद रेन्यू करने के बाद आपको 6 महीने के बाद फिर से रेन्यू करना पड़ता है। तो लोकेशन तो आप लोगों को दिखा दिया, जस्ट बुलेट शोरूम का आगे में, जस्ट सामने में नाहरलगुन का। तो आप लोग भी लेकिन अपना पोल्यूशन, जिसका जिसका पोल्यूशन पेपर नहीं बनाया है सर्टिफिकेट, वो जैसे ही बनाओ, क्योंकि आजकल बहुत चेकिंग और आप लोग मालूम होता होगा, इसलिए हम वही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जैसे भी बनाया बनाओ इसको। तो अभी फिलहाल यहाँ से सीधा निकलता है, सीधा घर पे मिलता है आपको। और हाँ, इसका ये शाम का 4:30 बजे तक रहता है, बोल रहा था सुबह 10 बजे से शाम का 4 या 4:30 तक आपको खुला मिलेगा ये एजेंसी। तो आप लोग आके आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अभी घर पे। One eternity later. So guys, फाइनली घर आ गया, और घर जैसे आया सीधा नहाने को चला गया, क्योंकि दिन भर से काफ़ी इधर उधर के काफ़ी धूल मिट्टी हो गया था। तो पहले वीडियो में बोला था गाइस, हम की जो मेरा आज मेन मार्केट जाने का मतलब क्या मकसद था कि, तो वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट काम से गया था, इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो इसलिए 1-2 दिन में आप लोग को पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड करना भूल गया था गाइस, इसलिए हम सोचा कि चलो अभी वीडियो को एंड किया जाए। तो ऐसे बाल भी लंबा हो गया, कुछ दिन में करना पड़ेगा इसको। तो होप करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो मेक श्योर लाइक कर देना, और चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, जो आप लोग को हम पोल्यूशन वो रेनू का ये कागज में दिखाया था, उसका जो चार्ज है 100 रुपया, पहले था 80 रुपया, तो अभी बढ़ गया बोला इसलिए 100 रुपया ले रहा है। तो आप लोग किसी को भी करना है उनसे, अगर एड्रेस पता नहीं है तो ये ब्लॉग देख के जा सकते हैं आप लोग, जस्ट बुलेट शोरूम का जस्ट आगे में ही है। तो होप करता है आप लोग को पता चल गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।